साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक्र की बीएससी मतलब कह सकते हैं जो बीपीएससी या बिहार जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं कराई जाती हैं उन परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों का जो सॉल्व है उसको यहाँ पूर्वालोकन के रूप में जो है संकलित किया गया है। इसमें आपका 2012 से 2023 तक के 48 प्रश्न पत्रों को अध्यायवार विभाजित करके जो है यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया गया है। तो इसमें बिहार में होने वाले जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर संकलित किया गया है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपके आगामी बिहार लोक सेवा आयोग की जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है पीसीएस की उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये देखिए आपका एक सामान्य अध्ययन का सेक्शन है, दूसरा आपका सामान्य विज्ञान का, फिर सामान्य गणित और तर्कशक्ति परीक्षण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है सामान्य विज्ञान वाला जो सेक्शन है सामान्य विज्ञान का, जिसमें तीन सेक्शन है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, पूरे 119 पेज में उसको दिया गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो सामान्य विज्ञान वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग तीन वीडियो में ख़त्म करेंगे, पहले वीडियो में भौतिक विज्ञान, दूसरे में रसायन विज्ञान, तीसरे में जीव विज्ञान। तो चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान में सबसे पहले भौतिक विज्ञान को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आपका भौतिक विज्ञान का जो पहला प्रश्न है मात्रक और इकाई से संबंधित पहला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये होता है ओम, क्या होता है ओम होता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक ओम है जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। ओम नाम जर्मन भौतिक विज्ञानी जार साइमन ओम के नाम पर रखा गया जिन्होंने वोल्टेज मतलब वी धारा आई और प्रतिरोध आर के बीच संबंधों का अध्ययन किया, उन्हें ओम का नियम बनाने का श्रेय जाता है। अगला है फॉरेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम, सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा किसका, फॉरेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक जो है यदि उसको सेल्सियस पैमाने पर लेंगे तो सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो ये देखिए ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है, माना सेल्सियस पैमाने पर तापमान टी डिग्री है होगा, अतः प्रश्नानुसार फॉरेनहाइट पैमाने पर तापमान क्या है 5T होगा। कहा गया है ना क्वेश्चन में कि सेल्सियस पैमाने का 5 गुना होगा। तो आप यहाँ पे इस फार्मूले में यदि रखेंगे C/100 इक्वल F-32/180, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है T है, F की वैल्यू 5T है, C की वैल्यू T है और F की वैल्यू 5T है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर T इक्वल 10 डिग्री आ जाएगा। मतलब तो सेल्सियस पैमाने पर वो टेम्परेचर कितना है, वो है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको आप फारेनहाइट पे मापेंगे तो ये इसका 5 गुना आएगा। अगला है किलो वाट आवर किसकी इकाई है, तो किलो वाट आवर जो है ये ऊर्जा की इकाई, किसकी है ऊर्जा की इकाई। देखिए एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। व्यावसायिक उद्देश्य तो बड़ी इकाई जैसे कि किलो वाट आवर का प्रयोग भी किया जाता है। 1 किलो वाट आवर या 1 किलो वाट घंटा 1 किलो वाट के सोर्स द्वारा 1 घंटे के लिए आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। ताप के मापने की इकाई क्या होती है, ताप को जो है सेल्सियस मापा जाता है, किसमें सेल्सियस में मापा जाता है, जबकि ऊर्जा को जो है आपका या उष्मा को कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, वेग द्रव्यमान समय और लंबाई में। तो इसमें आपका सदिश राशि पूछा है तो आपका वेग जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। वेग आपका क्या है सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान समय और लंबाई ये अदिश राशि के तहत आते हैं। देखिए सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिणाम और दिशा युक्त जो राशियां होती हैं वो सदिश होती हैं, जैसे कि वेग है, त्वरण है और बल है। और जिसमें केवल परिणाम होता है तो परिणाम युक्त वाली राशियां जो होती हैं वो अदिश होती हैं, अर्थात जिसमें दिशा नहीं होती, जैसे कि द्रव्यमान समय घनत्व एवं आयतन। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा आपका किलोमीटर में 9.46 × 10^12 किलोमीटर, 9.46 × 10^12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष वह खगोलीय मापक है जिसे अंतरिक्ष में तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी के बराबर है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग 9.46 × 10^12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला है उनसे कौन सी सदिश मात्रा है, मतलब सदिश राशि है, बल दबाव ऊर्जा कार्य। तो इसमें से बल किसी दिशा में लगती है तो बल जो है सदिश राशि है, ठीक है। बल जो है आपका सदिश राशि, जबकि दबाव ऊर्जा कार्य ये आपकी सदिश राशियां नहीं अदिश राशियां हैं। राजस्थान
कि बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसको फॉरन हाइट में कितना दिखाया जाएगा, मतलब डिग्री सेल्सियस को जो है फॉरन हाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ फार्मूले से आप करेंगे, फार्मूला याद रखिएगा, C by 5 इक्वल F माइनस 32 अपॉन 9। तो यहाँ पर आप जो है C की वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे रख करके यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 122 फॉरेनहाइट। ठीक है, 122 फॉरेनहाइट, मतलब यहाँ पे C की जगह पे आपको क्या रखना है 50 रखना है और फिर F की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपकी फॉरेनहाइट में आ जाएगा 122 फॉरेनहाइट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है ये आपकी बैक्वेरल होती है, बैक्वेरल होती है। एक बैक्वेरल को रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रति सेकंड एक नाभिक क्षय होता है। एक बैक्वेरल इक्वल एक विघटन बटा प्रति सेकंड होता है। रेडियोधर्मिता की जो पारंपरिक इकाई होती है वो क्यूरी होती है। पूछा क्या गया है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार, ठीक है, पारंपरिक की बात नहीं की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई बैक्वेरल होती है, जबकि यदि पारंपरिक उसमें देखेंगे तो इसकी इकाई क्या होती है रेडियोधर्मिता की, वो क्यूरी होती है। एक फेप्टोमीटर तुल्य होता है, किसके बराबर होता है, तो एक फेप्टोमीटर जो है आपका 10^-15 मीटर के बराबर होता है। एक फेप्टोमीटर इक्वल 10^-15 मीटर, या एक मीटर बराबर कितने फेप्टोमीटर हो जाएगा, एक मीटर बराबर 10^15 फेप्टोमीटर। फेप्टोमीटर को FM से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर है कितने के, तो मतलब यहाँ पे फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो आप इसी फॉर्मूले पे आ जाइए, C by 5 इक्वल F माइनस 32 अपॉन 9। तो F की जगह पे आपको क्या रखना है, F की जगह पे आपको 5 रख देना है और C की वैल्यू निकाल देनी है, तो C की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि आप 5 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये -15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगला है दाब की इकाई क्या होती है। तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए किसी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, किसी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब या प्रेशर कहते हैं, अर्थात इसका जो फार्मूला होगा P इक्वल F बाई A। एफ यहाँ पर क्या है, बल है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, अतः दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए बल का क्या होता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है स्क्वायर मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा और इसी को जो है पास्कल कहते हैं। ठीक है, जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है इसी को पास्कल कहेंगे। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो आपकी वाट होती है। देखिए कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यदि कार्य तेजी से किया जाता है अथवा कम समय में ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है तो विद्युत शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति की गणना, मतलब जो विद्युत शक्ति निकालेंगे इसको P से डिनोट करते हैं, ये कार्य बटा के समय होता है, मतलब P इक्वल W/T, W कार्य है और T समय है। इसका SI प्रणाली में मात्रक वाट होता है। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर पड़ा है जिन्होंने भाप का इंजन का आविष्कार किया था। शक्ति को किलोवाट, मेगावाट एवं अश्वशक्ति आदि में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक किलोवाट कितने को बराबर होता है 1000 वाट के, और वहीं एक अश्वशक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में बताइए। तो आप फिर से यहाँ पे इसी फार्मूले से लगा देंगे C by 5 इक्वल F माइनस 32 बाई 9, या इस रूप में आप लिख करके यहाँ पर क्या करेंगे, C की जगह पे आप 40 रखेंगे और F की वैल्यू निकाल देंगे, तो F की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 104 फॉरेनहाइट। अगला है आवृत्ति को नापा जाता है किस में, तो आवृत्ति को हर्ट्स में मापते हैं। किस में मापते हैं, आवृत्ति को जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हर्ट्स में मापते हैं। ठीक है, तो देखिए माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसका SI प्रणाली में मात्रक हर्ट्स होता है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, तरंग का जो वेग होता है वो आवृत्ति बटा के तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब V इक्वल N बाई लेमडा। आवृत्ति को N से और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी, तो एंगस्ट्रॉम जो है आपकी इकाई है यहाँ पर
एक सेकेंड, तरंग दैर्ध्य की, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है, ठीक है, वेवलेंथ की। देखिए माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने पर, तरंगे जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10^-10 मीटर होता है, या कह सकते हैं 1 मीटर = 10^10 एंगस्ट्रॉम होता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्स होता है। वेग का मात्रक m/s होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला है कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की एसआई इकाई, तो कार्य की एसआई इकाई जो होती है वो जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है, जूल या न्यूटन मीटर। देखिए किसी पिंड को गतिमान करने में बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग या डाइन सेंटीमीटर होता है। किसी भी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? जड़त्व का मापन, तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान ये जड़त्व का मापन। देखिए किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भार की इकाई नहीं है? कौन सा भार की इकाई नहीं है वेट का? तो पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, डाइन। तो इसमें से जो डाइन है वो भार की इकाई नहीं है, ठीक है। डाइन जो है ये बल की इकाई है। डाइन भार की, वेट की इकाई नहीं बल्कि मास की, मास या कह सकते हैं फोर्स की इकाई, बल की इकाई है, ठीक है, जबकि अन्य जो है भार की इकाई है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन इकाई है किसकी? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स की इकाई है। वह तापक्रम जिस पर फॉरेनहाइट व सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं, तो -40 डिग्री पर दोनों ही समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा बताया गया आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, चूंकि दोनों समान हैं, C और F की वैल्यू समान हो तो इसको आप X मान लीजिए, ठीक। इस फॉर्मूले में दोनों जगह पे आप क्या कर देंगे, X रख देंगे। X रख के इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40 आ जाएगी। मतलब -40 डिग्री ही वह टेम्परेचर है जिसको आप चाहे सेल्सियस में मापें चाहे फॉरेनहाइट में, दोनों में सेम आएगा। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है वो है -40। प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसकी? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, दूरी की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है, और एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक इक्वल 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 × 10^16 मीटर होता है, ठीक है। सेकेंड समय मापने की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, तापक्रम की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। तापक्रम या तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। सेल्सियस और फॉरेनहाइट ताप मापने की अन्य इकाइयां हैं, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट कैसे व्यक्त करेंगे? तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 वोल्ट को 1 कूलाम के, 1 वोल्ट को 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब 1 वोल्ट = 1 जूल प्रति कूलाम, तो ध्यान रखिएगा। अगला है तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन। अगला है गति का अध्ययन कहलाता है। गति का जो अध्ययन होता है उसे काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक्स कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो प्लांक ने दिया था, ठीक है, मैक्स प्लांक द्वारा 1900 में दिया गया था। यह सिद्धांत परमाणु और उपपरमाणविक स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ के व्यवहार और प्रकृति की व्याख्या करता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो उसे जो है पायरोमीटर कहते हैं, जो कि थर्मामीटर का एक प्रकार होता है। लक्स इकाई होती है किसकी? तो लक्स प्रदीप्त की इकाई होती है। किसकी होती है? प्रदीप्त की, या इल्यूमिनेशन की इकाई होती है, ठीक है। यह प्रति इकाई क्षेत्र के चमकदार प्रवाह को मापता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? तो 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होता है। अगला है डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है? डायनेमो में जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है।
डायनेमो सामान्यतः विद्युत जनरेटर को कहा जाता है। तो जनरेटर में क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को, पोटेंशियल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिससे परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, जिससे परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है और विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होता है एक परिवर्तित करने की युक्ति है किसको, तो ये जो है आपका विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो होता है, ये तो विद्युत मीटर है, मोटर है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जहाँ विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, तो वहीं डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, तो विद्युत इस्त्री में आपका नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल होता है। विद्युत इस्त्री या जिसे हम लोग प्रेस कहते हैं में अभ्रक के साथ नाइक्रोम जो होता है निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है, तो नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण का उपयोग करते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस्त्री की निचली सतह गर्म हो जाती है, जो कपड़े को प्रेस करने में हित प्रयुक्त होती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किस लिए, तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है जिसमें आवृत्ति परिवर्तन के बिना शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, तो यह जो है आंधी या झंझावात की संभावना का द्योतक होता है। ठीक है, अगला है बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो बोल्ट मापी यंत्र का इस्तेमाल जो है विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए बोल्ट मापी एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर जो होता है ये तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी के मापन हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर कहलाता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। अगला है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है या नापी जाती है, तो आर्द्रता जो है इसे हाइग्रोमीटर से, ये हाइग्रो है, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। जबकि तरल पदार्थों का विशिष्ट गुण जो है वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। देखिए, वायु में नमी या जलवाष्प की मात्रा को मापने के लिए मौसम विज्ञान में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम लियोनार्डो द विंची ने पहला क्रूड हाइग्रोमीटर बनाया। इसी तरह श्रेष्ठ भौतिकविद एवं भूविज्ञानी होरेस बेनेडिक्ट डी शशियर ने नमी को मापने के लिए मानव बाल का उपयोग करके अपनी तरह के पहले हाइग्रोमीटर का निर्माण किया था। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वह युक्ति जिसका उपयोग किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करने के लिए करते हैं वह अमीटर कहलाती है। यह अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति है तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन करने के लिए इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अमीटर है इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, न कि समानांतर क्रम में। किसी भी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। यह विद्युत धारा को मापने का एक उपकरण है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, इसे रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल पे। ठीक है, अगला है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इस यंत्र द्वारा दूध के घनत्व को जल के घनत्व के सापेक्ष मापा जाता है। यह यंत्र विशिष्ट गुरुत्व सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। टेकोमीटर जो होता है, टेकोमीटर यहाँ पर जो दिया गया है, टेकोमीटर से वाहनों की स्पीड मापी जाती है। अगला है अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अग्नि बुझाने के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको पेस्ट कंट्रोल जैसे मक्खी काकरोच आदि कीड़ों को मारने हेतु भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों की बेकिंग के लिए भी किया जाता है, जैसे केक इत्यादि बनाने में। फैदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो है
इको साउंडर भी कहा जाता है, इको साउंडर भी कहते हैं। इसमें जल के भीतर प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसमें जल के भीतर प्रतिध्वनि इको उत्पन्न की जाती है, जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई को ज्ञात किया जाता है। भूकंप की माप के लिए सिस्मोग्राफ, भूकंप की माप के लिए सिस्मोग्राफ था। वर्षा की माप के लिए वर्षा मापी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है पेसमेकर संबंधित किससे, तो ये आपका हृदय से, हृदय में लगाया जाता है। पेसमेकर या गति प्रेरक एक छोटा उपकरण होता है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है। यह बैटरी युक्त छोटा सा उपकरण है जो हृदय को गतिशील बनाए रखता है। एक कृत्रिम पेसमेकर कई वर्ष तक कार्य करता है। अगला है दीप्तिमापी, दीप्तिमापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो दीप्तिमापी होती है इसे रोशनी की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, रोशनी की तीव्रता। दीप्तिमापी को इंग्लिश में फोटोमीटर कहते हैं। तो फोटोमीटर या दीप्तिमापी का उपयोग प्रकाश या रोशनी सहित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल जो है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस लिए सत्य है, तो ये जो है आपका द्रव और गैस दोनों के लिए ही सत्य है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी तरल पदार्थों पर लागू होता है। तरल पदार्थ वह पदार्थ है जो प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए गैस भी तरल पदार्थ है। इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत को गैस पर भी लागू किया जा सकता है, ठोस पे नहीं। अगला है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होगा, उसका संवेग क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। ठीक है, देखिए संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब यहाँ पे तो हमने द्रव्यमान को स्थिर रखा परंतु वेग को दोगुना कर दिया है, तो जब वेग दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग भी दोगुना हो जाएगा। इस फॉर्मूले से P=mv। संवेग एक सदिश राशि है। अगला है भिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर हैं, उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा, तो दोनों पिंडों में एक समान संवेग होगा। ठीक है, भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो कि आरंभ में क्या है, स्थिर हैं, उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाएगा, तो दोनों पिंडों में संवेग जो होगा वो समान होगा। अगला है मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ सामान्य है, यहाँ पे जो है जो सामान्य आप जानते हैं वही है, का आयाम क्या होगा, UT+T, तो इसका जो आयाम होगा वो आपका LT होगा। देखिए कैसे, तो कुल मिला के यहाँ पे इसकी बीमा बतानी, देखिए यूटी की बीमा, यू क्या है आपका वेग, ठीक है प्रारंभिक वेग, इंटू टी समय है, तो वेग क्या होगा, दूरी बटा के समय, तो समय यहाँ भी है, T × T कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे क्या, दूरी, तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, L। अब यहाँ पे T समय है तो T की अकेले बीमा क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। अब इन दोनों की मिला के बीमा क्या हो जाएगी, तो LT हो जाएगी, LT। आगे चलते हैं, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके लिए आपका स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण में क्या संबंध होगा, तो देखिए इसमें आपका जो कार के पहिए का जो स्थैतिक घर्षण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम गतिज घर्षण होगा, फिर सबसे कम आपका रोलिंग घर्षण होगा। देखिए वाहनों में पहिए लगाकर घर्षण को कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पहिए लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं और इनकी सतह का न्यूनतम भाग ही भूमि की सतह के संपर्क में रहता है, अतः रोलिंग या लुढ़कने का घर्षण सबसे कम होता है, तो इसलिए कार के पहिए के लिए स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा, फिर गतिज घर्षण और उससे सबसे कम रोलिंग घर्षण होगा। अगला है बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो यह गति के प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम होता है उसके चलते ऐसा होता है। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि जो है वो सुरक्षित है, तो इसमें केवल संवेग आपका जो है वो सुरक्षित है। देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का प्रारंभिक एवं अंतिम निकाय संवेग सदैव समान रहता है, अतः केवल संवेग ही सुरक्षित होगा। यहाँ बंदूक की गोली एक ठोस ब्लॉक से टकराती जो कि स्थिर है, विराम अवस्था में एक मेज पर रखा है, तो
देखिए माना गोली का द्रव्यमान m तथा वेग u है एवं ब्लॉक का द्रव्यमान कैपिटल m एवं गोली के धंसने के बाद गोली तथा ब्लॉक से बना निकाय जो सिस्टम है वो कैपिटल v वेग से गति करता है। तो संवेग संरचना के नियमानुसार क्या हो जाएगा, पहले का तो पहले क्या है 0 प्लस एम यू इक्वल एम प्लस एम एम वी प्लस एम वी हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है कितना, ये एक के बराबर या इससे अधिक रखता है। गियर अनुपात से तात्पर्य है आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से। पहाड़ पर चढ़ते समय गियर अनुपात एक के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का होता है क्या चर त्वरण, चर अचर होता ना, तो ये आपका चर त्वरण होता है, मतलब बदलता रहता है। स्थिर गति से वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु की दिशा निरंतर बदलते रहने से उसका वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वेग सदिश राशि तथा त्वरण सदिश वृत्त के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होने के कारण त्वरण भी निरंतर बदलता रहता है। अतः स्थिर गति से वृत्ताकार पथ पर चलती हुई वस्तु का त्वरण चर क्या होगा, त्वरण चर होगा, मतलब वेरिएबल होगा, चलता रहे बदलता रहेगा। अगला है, काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है उसे क्या कहते हैं, संवेग प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग प्रवाह। तंत्र मतलब यहाँ पे सिस्टम है। संवेग प्रवाह किसी निकाय या तंत्र द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को व्यक्त करता है, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल को व्यक्त करती है। संवेग परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर लगे बल को व्यक्त करती है, जिसके कारण वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होने से कार्य होता है। अगला है, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या कम गतिज ऊर्जा, ट्रक की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हुई कार की कम होगी। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा का मान द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा इक्वल 1/2 mv². ठीक, तो यहाँ पर देखिए ट्रक का भार क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चूँकि समान गति से चल रहे हैं, यहाँ कार था भरे हुए ट्रक समान गति से चल रहे हैं, तो वी तो सेम है परंतु एम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। चूंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो ट्रक की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी जबकि कार की गतिज ऊर्जा कम होगी। अगला है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, तो जो गति का तीसरा नियम है न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये कार्य करता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया या बल के लिए एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, रॉकेट प्रणोदन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत किसका, तो ये आपका रेखीय संवेग का संरक्षण है। जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत रेखीय संवेग का संरक्षण है। ठीक है, अगला है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्थिति विज्ञान जो है ये आपका विराम की स्थिति से संबंधित है। यदि किसी वस्तु के वेग को 3 गुना बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कितना, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपका 3 गुना बढ़ा रहे हैं ना, 3 गुना इसको बढ़ा देंगे तो ये आपका 9 गुना बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि आप 3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 b². अगला है, कोई वस्तु 9.8 m/s के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी, तो देखिए इसको आप तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में रखेंगे v = u - gt। यहाँ पर जो अंतिम वेग है क्या है, वो शून्य है, वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, अंतिम वेग आपका शून्य है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को रख करके u = gt, तो यहाँ पे आपका t क्या हो जाएगा, कितने समय में आएगा, तो u / g, तो u की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ प्रश्न में 9.8 m/s के वेग से, मतलब जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो 9.8 है, तो u की जगह 9.8 रखेंगे, g की वैल्यू भी 9.8 होती है, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 सेकेंड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे क्या कहा है कि
बेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, कितने समय में जमीन पर वापस लौटेगी? तो फेंक ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेगा, फिर नीचे आने में उतना समय लगेगा, 2 सेकंड हो जाएगा ना। तो इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, 2 सेकंड। अगला है, निम्न चित्र में एक गेंद OA, एक गेंद जो है OA तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल कितना होगा? तो सतह OA का जो प्रतिक्रिया बल होगा वो OB से अधिक होगा। ठीक, यहां देखिए फॉर्मूलेस निकालेंगे, 1 सेकंड। अगला प्रश्न है आपका, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ MB स्क्वायर होता है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, 72 किलोमीटर के वेग का अर्थ क्या है? 72 किलोमीटर के वेग का, तो इसका मतलब है 72 किलोमीटर के वेग का अर्थ क्या है? तो मतलब ये इसको आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर चल रही, तो इसको आप कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। दूध से मक्खन कैसे अलग किया जा सकता है? तो दूध से मक्खन को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण करते हैं, ठीक है, अपकेंद्रीकरण की विधि का प्रयोग करते हैं। यह अवक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें द्रव माध्यम में निलंबित अधिक घनत्व के कणों को चक्रण के द्वारा अवक्षेपित किया जाता है। अगला है, प्रकाशिकी का प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखिए। देखिए, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु जो है, एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब व इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 2F फोकस दूरी F के बराबर होगी। देखिए, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र मतलब C पर ही अवतल दर्पण द्वारा एक उल्टा तथा समान आकार का बनता है जो आपका चित्र बनेगा। ऐसी स्थिति में दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब व इसके ध्रुव के बीच की दूरी 2F के बराबर होती है। जरा दृष्टि या प्रेसबियोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो जरा दृष्टि के लिए जो है आपका बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जरा दृष्टि आँख का एक दोष है, जिसमें वृद्धावस्था कारण व्यक्ति के निकट की वस्तु के साथ साथ अलग अलग वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। इस दृष्टि दोष को बाईफोकल लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के लेंस में निचला भाग निकट वस्तु पर ध्यान देने के लिए उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो पूरा लेंस होगा इसमें निचला भाग जो है उत्तल लेंस होता है निकट दृष्टि के लिए, जबकि ऊपरी भाग जो है वो अवतल लेंस होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। मोटर कारों के हेडलाइटों में किसका उपयोग करते हैं? तो मोटर कारों के हेडलाइटों में जो है अवतल दर्पण, किसका? अवतल दर्पण का कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइटों में किया जाता है, क्योंकि वाहन के सामने आने वाली सड़क को देखने के लिए रात में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः अभिसारी की प्रकृति वाली दर्पण होने के कारण अवतल दर्पण प्रकाश की फोकस्ड बीम प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो इसकी जो गति होगी वो पानी में अधिकतम होगी। तारपीन का तेल, ग्लास, नायलॉन, तो इसमें पानी में। देखिए, प्रकाश की गति उस भौतिक माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें वह गति कर रही है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। तो ये चारों विकल्प दिए गए हैं, इसमें सबसे कम जो है अपवर्तनांक पानी का होगा, इसलिए इसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है? तो समुद्र का नीलापन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई पड़ना भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। आगे चलते हैं, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इस वजह से, ठीक है। प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले माध्यम में मुड़ना क्या कहलाता है?
तो इसे अपवर्तन कहते हैं। क्या करते हैं? अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो असली बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। इसे सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका करती है, मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका करती है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान, से बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और लाल रंग का सबसे अधिक होगा। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई पड़ता है या समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। देखिए, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का जो क्रम है, लाल का सबसे अधिक होता है, उससे कम नारंगी, उससे कम पीला, उससे कम हरा, उससे कम नीला और उससे कम जामुनी, सबसे कम बैंगनी का। बैंगनी प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम का जो परास, मतलब जो बैंगनी प्रकाश, इसका परास क्या होता है नैनोमीटर में? तो इसका परास जो है 380 से 450 के बीच में होता है। देखिए, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का प्रकाश सम्मिलित होता है, जिसे विबग्वेयर से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें वी जो बैंगनी होता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की जो परास होती है, तरंग दैर्ध्य की जो परास होती है, 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर होती है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करता है। इसमें प्रकाशीय तंतुओं से बना बंडल शरीर के भीतर पहुंचाया जाता है। प्रकाशीय तंतु शरीर के भीतर प्रकाश ले जा सकते हैं तथा इनमें से कुछ शरीर के अंदर से परावर्तित प्रकाश बाहर लाते हैं, जिससे शरीर के भीतर के रोगग्रस्त भाग की छवि प्राप्त होती है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा दिखाई देता है। वो दर्पण कौन सा होता है? तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। अवतल दर्पण अंदर की तरफ उभरी प्रतिबिंबित करने वाली सतह होती है। यह स्वयं पर आपतित होने वाली प्रकाश की सभी समानांतर किरणों का अभिसरण कर देती है, किसी एक बिंदु पर मोड़ देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण में चित्र वास्तविक तथा वस्तु की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। अगला है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह एकमात्र प्रकार के दर्पण जो सूर्य के प्रकाश को एकल केंद्र बिंदु की ओर दर्शाते हैं। मतलब अभिसरण की इनमें क्षमता होती है, ये अभिसारित करते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण का उपयोग कुकर के अलावा दंत चिकित्सकों द्वारा दांत परीक्षण में, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तकों के रूप में किया जाता है। अगला है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित होता है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकाश अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णित या स्कैटर्ड होता है। लॉर्ड रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। विबग्वेयर में देखेंगे तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता रहता है। इस समय सूर्य के प्रकाश को प्रेक्षक तक आने के लिए वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती, ऐसे में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। अगला है, लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है क्या? तो लेजर से जो है सशक्त प्रकाश की किरणपुंज उत्पन्न होती है। लेजर वह युक्ति है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिस कारण सशक्त प्रकाश की किरणपुंज उत्पन्न होती है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर से प्राप्त होने वाली प्रकाश किरणों में एक वर्णता, दिशात्मकता, संबद्धता तथा उच्च तीव्रता जैसे गुण पाए जाते हैं। अगला है, जब प्रकाश
दूसरे माध्यम से अंदर जाता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर माध्यमों के अपवर्तनांक की भिन्नता के कारण प्रकाश का वेग एवं तरंग दैर्ध्य वो बदल जाता है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे, तो यहाँ पे जो चारों विकल्प दिए गए चार के चारों विकल्प सही नहीं है। देखिए, किसी लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेंस शक्ति का मात्रक डायोप्टर या डायोप्टर या इसे स्मॉल डी सॉरी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है। लेंस शक्तियों फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, लेंस शक्ति इक्वल होता है 1/ फोकस दूरी, पी इक्वल 1/f। ये पी को मापते हैं डायोप्टर में और जो फोकस दूरी होती है उसे मीटर में मापते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन का कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही कथन चुनिए, यहाँ पे चार कथन दिए गए। पहला, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता नहीं अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये कथन आपका सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता नहीं, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता नहीं, सबसे कम होता है, सबसे कम बैंगनी का ही होगा। अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक एम निर्वात में प्रकाश की गति शी और उसका माध्यम प्रकाश की गति वी के बीच में क्या संबंध होता है। मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उसका माध्यम प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या है। तो ये जो है अपवर्तनांक, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ये गलत है, अपवर्तनांक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, C/V होता है। मतलब निर्वात में प्रकाश की गति बटा के माध्यम प्रकाश की गति यदि करेंगे तो अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक। तो अपवर्तनांक निकालना तो क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति बटा के माध्यम प्रकाश की गति। देखिए, अगला है, प्रकाशी तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है संचार में किया जाता है, संचार में। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचारित करने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है लेजर किरणों को संचालित करने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर उस तकनीक को संदर्भित करता है जो कि एक ग्लास या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश स्पंदों के रूप में सूचना प्रसारित करता है। निम्न में से कौन सी किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा, किसी छाते के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा। देखिए, तो छाता कैसा अच्छा होता है, जिसमें ऊपर से काला हो अंदर से उजाला हो, मतलब अंदर हल्का रंग हो छाता, ये ऐसे होता है। तो ऊपर आपका ये काला हो और अंदर से ये उजाला हो, मतलब हल्के रंग का हो, ठीक है। छाता धूप से बचने का एक उपकरण है या विभिन्न रंगों का होता है। सबसे सर्वोत्तम छाता वह होगा जो ऊपर से काला था अंदर से उजला, मतलब सफ़ेद रंग का हो। सफ़ेद रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित कर धूप से संरक्षित रखता है, जबकि काला रंग प्रकाश का अवशोषण तथा उत्सर्जन अति तीव्रता से करता है। अगला है, दूरदृष्टि वाली आँख में क्या होता है। दूरदृष्टि वाली आँख में आप देखेंगे तो रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। दूरदृष्टि में जो होता है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अपसारित होती हैं। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। आँख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि दोष वाली आँख देख सकती है, केवल किसको देख सकती है, दूर की वस्तु, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है, ठीक है। दूर की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया। देखिए, जो दूर दृष्टि है इसे सही करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये आपका परितारिका के द्वारा होता है। पुतली के आकार का विनियमन परितारिका के द्वारा होता है, जब परितारिका सिकुड़ती और शिथिल होती है जब अंधेरा होता है। देखिए, जब परितारिका सिकुड़ती है और शिथिल होती है, देखिए जब अंधेरा होता है तो पुतली फैल जाती है, जिससे कि अधिक प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके। परितारिका पुतली एवं आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जब ज़्यादा आती है तो सिकुड़ जाती है। देखिए, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होते हैं। प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं।
अगला है प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। देखिए आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अन्य जो उदाहरण है इसमें आपका मृग मरीचिका का बनना है, तारों का टिमटिमाना, हीरे में चमक इत्यादि का होना भी है। अगला है प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी क्षण और शंकु किस में मौजूद होते हैं, तो ये आपके रेटिना में मौजूद होते हैं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात क्षण और शंकु रेटिना में उपस्थित होते हैं। श्लाका अत्यंत कम प्रकाश स्तर पर कार्य करता है, जबकि शंकु को बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु, लाल, हरा और नीला पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होगा, हवा, पानी, केरोसिन, मिट्टी के तेल और कांच, तो सबसे कम आपका यहाँ पर कांच में होगा। ठीक है, एक माध्यम में प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक से प्रभावित होती है। दिए गए माध्यमों में कांच वैकल्पिक रूप से सबसे घना है और उसका विशिष्ट अपवर्तनांक लगभग 1.5 है, वहीं हवा और निर्वात दोनों का अपवर्तनांक लगभग 1 है, इसलिए कांच में प्रकाश की गति धीमी होगी। अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें प्रकाश की जो स्पीड होगी वो कम होगी, जितना कम अपवर्तनांक होगा उसमें स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है, इसे ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं। अगला है आपका अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। अगर अपवर्तनांक अधिक होगा मतलब वो सघन है, उसमें प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं, तो प्रतिबिंब है कैसा है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से समान आकार का होगा। ठीक, जब एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हों तो प्रतिबिंब वस्तु से समान आकार का होगा। निर्मित छवि वास्तविकता उल्टी होगी। अवतल दर्पण एक घुमावदार परावर्तक सतह वाला दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, एक घुमावदार परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, हैंड लैंप्स और लाइट्स में या जो गाड़ियों के हेडलाइट होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, अगला है मनुष्य के नेत्र से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो ये वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि का वेग जो है ठोस माध्यम में अधिक होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों की अपेक्षा द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सर्वाधिक होती है। अगला है किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका पदार्थ के लचीलेपन के मापक पर और साथ ही घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर एवं साथ ही उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। इन्हें आवृत्ति के आधार पर अवश्रव्य, श्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में बांटा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं होती है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि के द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। अगला है ध्वनि की गति यू और माध्यम का घनत्व जो है पी के मध्य संबंध क्या होता है, तो इसके मध्य संबंध आपका होता है ये बी विकल्प वाला, यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई आर। ये किसी माध्यम में ध्वनि की चाल और उस माध्यम के घनत्व के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण न्यूटन लैपलेस समीकरण कहलाता है। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से वी इक्वल अंडर रूट वी बी और पी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है,
देखिए मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, तो इसके लिए 60 डेसिबल की ध्वनि जो है होती है वो उपयुक्त होती है। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो सकती हैं किसमें, तो ये आपका जो ध्वनि तरंगे हैं निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं कौन? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो माइक्रोफोन होते हैं वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और लाउड स्पीकर क्या करते हैं वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता के ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, तो ये आपका श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है। आगे चलते हैं। अगला है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए करते हैं, तो डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है कि परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन मतलब होने से वायु में ध्वनि की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वायु दाब में परिवर्तन होने से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसकी गति के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। ध्वनि की गति पर वायु के तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा तथा पवन की दिशा का प्रभाव पड़ता है। किंतु वायु दाब का ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का। अगला है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें? ठोस में करेगी, तो यहाँ पर ठोस क्या है? स्टील में करेगी। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? तो वह पदार्थ के लचीलेपन के मापांक और साथ ही घनत्व पर भी निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ का घनत्व अधिक होने पर उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है। आगे चलते हैं। अगला है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? घड़ी आपकी सुस्त हो जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। देखिए यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी धीमी अर्थात सुस्त हो जाएगी। चंद्रमा पर त्वरण जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का 1/6 भाग है, 1/6 भाग है, इसलिए वहाँ पर कम हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो इसमें आपका तरंग दैर्ध्य तथा वेग तो प्रभावित होगा, परंतु आवृत्ति पर कोई प्रभाव, जो मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य तथा वेग तो प्रभावित होगा परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके मध्य की दूरी आर के बीच का संबंध क्या होता है? तो ये F=1/r². ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग करते हैं? तो इसमें लैक्लांसे सेल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक अलार्म में। देखिए लैक्लांसे सेल का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्जस लैक्लांसे ने किया था। इसके लिए पात्र में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का घोल बनाकर इसमें कार्बन की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त अमोनियम क्लोराइड के घोल में एक जस्ते की छड़ डुबोई जाती है जो एनोड का कार्य करती है। इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। विद्युत अलार्म, टेलीफोन, सायरन इत्यादि बनाने में लैक्लांसे सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन, कनेक्शन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है, श्रृंखलाबद्धन और श्रृंखला मतलब सीरीज में, और एक पैरेलल समानांतर। देखिए ए सी बी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, कार्य करता है किसके आधार पर? तो ये जो है आपका कार्य करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के
चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए एमसीबी घरों में बिजली प्रवाह के लघु पथन या शॉर्ट सर्किटिंग से उपकरणों को बचाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग के समय धारा की बड़ी मात्रा आने पर जो एमसीबी होता है, एमसीबी मतलब मेन्ट्योर सर्किट ब्रेकर, स्वचालित रूप से स्विच ऑफ कर देता है जिससे बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो लघु पथन के समय तीव्र चुंबकीय होकर संपर्कों की एक जोड़ी को अलग करने के लिए पर्याप्त होता है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो, लगभग कितना, 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो, लगभग कितनी, 17 मीटर, तभी आपको इको सुनाई पड़ेगा। एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर जो है आपकी विद्युत धारा की, किसकी है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, ठीक है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है, 1/6 होगा, 1/6 होगा, क्योंकि जी वहाँ पर जो होता है धरती पर जो जी होता है, चंद्रमा पर उसका 1/6 होता है, इसलिए क्या होगा, वहाँ पर भार भी तो कम हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा संयंत्र विद्युत पैदा करता है, इलेक्ट्रोग्राफर्स, वोल्टमीटर, डायनमो, ट्रांसमीटर। तो डायनमो जो होता है, डायनमो ये आपका विद्युत पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सौर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, किसका, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसी पदार्थ में अतिचालकता आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, तो जब किसी पदार्थ को अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतया शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। अतिचालकता की दशा में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसे मेसनर प्रभाव के नाम से जाना जाता है, मेसनर प्रभाव। टार्च में किस सेल का प्रयोग करते हैं, तो टार्च में जो है शुष्क सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर रेडियो हो गया, टार्च, कैलकुलेटर, यहाँ पर आप शुष्क सेल का इस्तेमाल करते हैं। शुष्क सेल या ड्राई सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल होता है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक अतिचालक पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है जो अतिचालक होते हैं, जैसे कि आपका सिलिकॉन है, तो देखिए बी विकल्प पढ़िए, यह इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है अतिचालक में, नहीं जो मैंने बोला वो अधचालक होता है, सॉरी गलत बोली, ये अतिचालक दूसरा है, वो दूसरा है, ठीक। से देखिए, अतिचालक सुपरकंडक्टर जो होता है, सुपरकंडक्टर पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अतिचालक पदार्थों में एक क्रांतिक ताप से नीचे विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने सिलिकॉन बोला था वो क्या होता है, एक अर्धचालक होता है, यहाँ पे अतिचालक की बात हुई है। अतिचालक वे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें विद्युत के लिए न्यूनतम प्रतिरोध होता है, वो अतिचालक में आएंगे, न्यूनतम प्रतिरोध। अतिचालक वे होते पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा के लिए न्यूनतम प्रतिरोध होता है। ये पदार्थ अत्यधिक निम्न ताप पर अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनमें विद्युत प्रतिरोध शून्य या नगण्य हो जाता है। अगला है, यदि एक विद्युत धारा को ऊर्ध्वाधर रखे तार से होकर के प्रवाहित किया जाता है, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा और कितना होगा, तो यह तार के लंबवत होगा, ठीक है। यदि एक विद्युत धारा को ऊर्ध्वाधर रखे तार से होकर प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तार के लंबवत वृत्ताकार दिशा में होगा। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिणाम बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन जो है वो निश्चित अंतराल के बाद होता है। आवर्ती विद्युत धारा मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट में विद्युत तरंग या धारा की दिशा और परिणाम निश्चित समय अंतराल के बाद सतत रूप से बदलते रहते हैं। इसके विरुद्ध दिष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट होता है, में विद्युत तरंग एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अगला है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। इन चारों में से कोई भी उत्तर सही नहीं। क्यों नहीं सही, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। जर्मन भौतिकविद हेनरिक फ्रेडरिक लेंज ने एक नियम का निगमन किया जिसे लेंज का नियम के नाम से जानते हैं। यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता अर्थात दिशा का स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से वर्णन करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता या पोलरिटी इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उससे उत्पन्न करने वाले कारक या चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। तो यहाँ पर आपका ये लेंज का नियम होना चाहिए जो कि इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा, लेंज के नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ये जो होता है पृथ्वी तल पर, इसका मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर पोल्स पर अधिकतम होता है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी या गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो ये आपका अंटार्कटिक के कैंप में, मतलब जो आपका पोल्स होंगे वहां पे, अंटार्कटिक मतलब साउथ पोल। अगला, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है, यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा, ये शून्य हो जाएगा, शून्य दिखाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, पेंडुलम को ये बढ़ेगी क्योंकि वो क्या स्लो हो जाएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 होता है, अतः पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि वो धीरे धीरे चलेगा। अगला है पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग जो है ये डी ऑप्शन पढ़िए, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए जो न्यूनतम वेग चाहिए होता है वही आपका पलायन वेग होता है, मतलब फिर वापस ना आए। ठीक, जैसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब इस वेग से आप किसी को फेंक दीजिए तो वापस धरती पर नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है, यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, पहले से कम होगी। देखिए चुंबकत्व पे प्रश्न देख लेते हैं, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो किस प्रकार का चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला है एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है। जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगी, ये शून्य के दोनों तरफ जाएगी, ये शून्य है तो इसके ये मतलब ऐसे 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 ऐसे। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर तथा बाहर निकाला जाता है तो जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य के दोनों तरफ भागेगी जाएगी। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होती है। देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकीय सुग्राह्यता अधिक होती है, ऐसे पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की दिशा में दृढ़ता से चुंबकित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर अत्यधिक आकर्षित होते हैं, ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी शैथिल्य प्रभाव कारण कुछ देर तक चुंबकित बने रहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल चलाता है या करता है तब डायनेमो में जो बल लगता है वह उज्ज्वल प्रकाश होता है, बल लगा हुआ उज्ज्वल प्रकाश होता है, क्योंकि कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और उससे अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, सी ऑप्शन, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि न्यूमेरिकल है, एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंग दैर्ध्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्ध्य की दुगनी है, यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे चूँकि इक्वल एन लैम्डा यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी दुगनी। वैसे भी देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि दुगनी है, तो वायु में तरंग का वेग
गैस वितरण का वेग कितना हो जाएगा 680 मीटर प्रति सेकेंड। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वो पदार्थ कैसा होगा? गैस होगा। यदि किसी गैसीय पदार्थ में जल की विलेयता ताप के बढ़ने से क्या होती है? घट जाती है। किसी गैसीय पदार्थ में जल की विलेयता ताप के बढ़ने से घट जाती है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग, तो जो भूकंप की तरंगे होती हैं, भूकंप की तरंगे जो ध्वन तरंगे होती हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं या भूकंप की तरंगे। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, अनुदिश ऐसे, ये कंप ऐसे तरंग चल रही है तो आगे पीछे अनुदिश, उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ध्वनि तरंगे एवं भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? तो ये 2L/N होगी। अगला है जल तरंगे क्या होती हैं? तो जल तरंगे जो होती हैं, जल तरंगे ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। ठीक है, जल तरंगे ये ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। एक व्यक्ति इस मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? तो इसके लिए उसे एक्सरे का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। इसकी खोज विलहम रोएंटजन ने की थी। मशीन के हिस्से में कमी या दोष पता करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, न कि अवरक्त किरणों का। इसका उपयोग दवा के क्षेत्र में, कैंसर कोशिकाओं को मारने में, स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा क्रिस्टलोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, एक्स किरणों का जो इस्तेमाल है वो कैंसर के क्षेत्र में, कैंसर में कोशिकाओं को मारने में, स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा क्रिस्टलोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। एक्स किरण एक उदाहरण है किसका? तो एक्स किरण जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, जिसकी तरंगदैर्ध्य लगभग 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण निर्वात एवं अन्य माध्यमों से स्वयं प्रसारित तरंग होती है। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का इस्तेमाल करते हैं, बिना चीरा लगाए हुए ऑपरेशन करने के लिए अनुप्रस्थ तरंग का। देखिए, सोलर सेल बने हुए होते हैं किसके? तो ये जो है आपके अर्धचालक के बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन, गैलियम। अगला है निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? तो निम्न ताप पर जो कोई पिंड होता है वो लंबी तरंगदैर्ध्य छोड़ता है, लॉन्गर वेवलेंथ और निम्न आवृत्ति लोअर फ्रिक्वेंसी के विकिरण छोड़ता है, जबकि उच्च ताप पर पिंड छोटी तरंगदैर्ध्य और उच्च आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं किया जा सकता है? तो आपका रेडियो तरंग का, तरंगों का, दृश्यमान तरंगों का किया जा सकता है, परंतु हवा में ध्वनि तरंगों का जो है ध्रुवण नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो अनुदैर्ध्य तरंगे जैसे कि ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगों जैसे ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता है, क्योंकि कणों की गति एक आयाम में होती है। अगला है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोट समान होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोट समान होती है, इसलिए ठीक है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिणाम की कोट के समान होती है। एक्स किरणें उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, उनके पास 200 ईवी से लेकर 1 MeV तक की ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है आपका, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? यदि दाब बढ़ाएंगे तो किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटाने से क्वथनांक घट जाएगा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? तो किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो ऊष्माधारकता बटा के पदार्थ का द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है।
एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, किसके द्वारा? तो विकिरण के माध्यम से। यदि भट्टी के सामने खड़ा तो विकिरण के माध्यम से अधिक ऊर्जा वो प्राप्त करता है। चालक, संवहन या विकिरण, तीन तरह से ऊर्जा प्राप्त करता है, सबसे अधिक आपका विकिरण के माध्यम से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगला है आपका, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी कितने तापमान पर उबलेगा? तो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलेगा। यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के से कम है तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलेगा। अगला है, देखिए, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वाही दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि वायुमंडलीय दाब पारे के सामान्य दाब से कम हो जाता है तब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलेगा। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी आ जाती है। जैसे आप ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर दबाव कम होता जाएगा, ठीक है। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में ही उबलने लगता है क्योंकि अधिक ऊंचाई होने के कारण पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है, इसलिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, मतलब उसका क्वथनांक कम ही रहता है, उबल जाता है। यदि दाब घटेगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो वो जो है आपका पानी की गहराई पर निर्भर करता है। वह प्रक्रिया इसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वाष्पीकरण कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह जल की उपलब्धता, वायु की नमी, बादलों के आवरण, तापमान आदि पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पूछा है, गलत मैंने बोल दिया, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है? तो ये हवा के वेग, आर्द्रता पर निर्भर करेगी, तापमान पर निर्भर करेगी, परंतु पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करेगी। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, तो क्या होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्योंकि द्रव की अपेक्षा वाष्प की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यही कारण है कि जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है तो वह ऊष्मा को मुक्त करती है। खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है, अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है खुले तालाब में, ठीक है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा, मतलब कम टेम्परेचर पर ही चीज़ें उबल जाएंगी या पक जाएंगी। देखिए आगे चलते हैं, परमाणु नाभिक से संबंधित प्रश्नों को, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो इसमें से यूरेनियम यू 235। यूरेनियम को आशा धातु मेटल ऑफ होप कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसके लिए आपका जिरकोनियम आवश्यक है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जिरकोनियम की आवश्यकता होती है। जिरकोनियम धातु की जंग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, साथ ही यह विद्युत और ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। अगला है एच बम, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। आगे चलते हैं, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार जो होता है वो 10^-8 मीटर से अधिक होता है। क्लासिकल भौतिकी बड़े आकार वाले कणों या वस्तुओं पर तो सटीकता से लागू होती है, अर्थात इसके नियम बड़े आकार वाले पिंडों पर तो लागू होते हैं, लेकिन यदि कणों का आकार 10^-8 मीटर या इससे कम होता है तो वहाँ क्लासिकल भौतिकी असफल हो जाती है। अर्थात 10^-8 मीटर से छोटे व्यास या आकार वाले पिंडों या कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि पर क्वांटम यांत्रिकी के नियम लागू नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्वांटम यांत्रिकी के नियम लागू होंगे, यहाँ पर आपके जो क्लासिकल भौतिकी है उसके नियम लागू नहीं होंगे।
अगला है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाभिकीय विखंडन खोज किसने की थी, तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने नाभिकीय विखंडन खोज जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने की थी। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को न्यूट्रॉन से बमबारी करा करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, ये फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थी। रेडियोधर्मिता किसी तत्व के परमाणु नाभिक द्वारा स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करने की क्रिया को कहते हैं, अर्थात इस क्रिया में कोई अस्थिर नाभिक अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करने हेतु विकिरण द्वारा कुछ ऊर्जा कणों को उत्सर्जन करने लगता है। जैसे आपका यूरेनियम है, रेडियम है, ये रेडियो तत्व हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। जो सूर्य के नाभिक में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, उसी से सूर्य को सूर्य की ऊर्जा निकलती है, ठीक। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था। परमाणु परीक्षण भारत में मुख्यतः पोखरण में ही होता है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस परीक्षण में एक धर्मी न्यूक्लियर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है वर्ष 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया था। अगला है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक ने आधुनिक भौतिकी का सैद्धांतिक आधार कहा जाने वाला क्वांटम सिद्धांत परमाणु एवं उप परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति तथा उसके व्यवहार की व्याख्या करता है। इस स्तर पर पदार्थ एवं ऊर्जा की प्रकृति को क्वांटम भौतिकी तथा क्वांटम यांत्रिकी के रूप में जाना जाता है। मैक्स प्लांक ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को जर्मन फिजिकल सोसाइटी के सामने रखा था। अगला है धातु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, धातु प्रतिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा जारी होती है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक स्थिर होगी परमाणु नाभिक उतना ही अधिक स्थिर होता है। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के माध्यम से ऐसा स्थापित किया गया। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है, तो देखिए क्योंकि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, जो द्रव्यमान है उसका ऊर्जा में रूपांतरण होता है। परमाणु विस्फोट नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, परमाणु विस्फोट जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम का द्रव्यमान न्यूट्रॉन की बमबारी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ऊर्जा को मुक्त करता है। यह एक अनियंत्रित प्रक्रिया होती है, नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो यह यहाँ पर डी ऑप्शन पढ़िए, परमाणुओं के विखंडन से रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा से जब ऊष्मा से जल वाष्प बदलता है, जो रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा से जल वाष्प बदलता है जो टरबाइन को चलाता है और बिजली उत्पन्न होती है। अगला है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, तो जो विखंडन अभिक्रिया होती है इससे। अगला है आपका, अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो इसके लिए आपका जिरकोनियम आवश्यक होता है, ठीक है। जिरकोनियम इसकी मिश्र धातु के संक्षारण प्रतिरोधी तथा अल्प न्यूट्रॉन ग्राही होने के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों के निर्माण हेतु किया जाता है। यदि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूक्लियर शील्डिंग हेतु लेड जो होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी अनुसंधान और उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर है, तो ये है आपका ध्रुव। इसका नाम क्या है, ध्रुव है। ध्रुव रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर, इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई के ट्रांबे में स्थापित किया गया। साइरस जो आपका बी विकल्प में है, साइरस भी नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे कनाडा के सहयोग से बार्क मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया था। अगला है अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश, अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किसके एक के लगभग बराबर होता है, तो यह आपका हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। देखिए निम्न से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, तो इन चारों में से जो भारी जल होता है, भारी जल ये मंदक का कार्य करता है, D2O, ठीक। अगला है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, एक पदार्थ की जो है जल में विलेयता देखें तो ताप बढ़ने से घटती है, तो वह पदार्थ कैसा होगा, वह पदार्थ गैस होगा, ठीक है। वह पदार्थ क्या होगा, गैस होगा।
किसी भी द्रव में गैस की विलेयता, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को हम अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। एक निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर, एक निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव या विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। यह प्रत्येक द्रव के लिए, यह प्रत्येक द्रव के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि गैस की विलेयता अलग अलग द्रव में अलग अलग हो सकती है। जब एक निश्चित या स्थिर दाब पर ताप का मान बढ़ाया जाता है, जब एक निश्चित या स्थिर दाब पर ताप का मान बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि जल में विलेयता, मतलब यदि गैस को जल में विलेय, मतलब मिलाएंगे, तो यदि ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होती, कम होती जाती है। कुछ सीमाओं तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता कहलाती है क्या? प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है, इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल लगाने से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है, और जब विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आती है, प्रत्यास्थ कहलाती है। इसे रबड़ आपने देखा होगा, स्प्रिंग देखा होगा, जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता पाई जाती है उन्हें प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अगला है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो ये है आपका द्रव हीलियम। कौन सा है? द्रव हीलियम। ठीक, निम्नलिखित में से किसके लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो शाही सोखने के लिए केशकत्व एक कारण है। सूती कपड़े पर पानी की कुछ बूंदों का फैलना, यह भी केशकत्व कारण होता है। पौधे की जड़ों से उसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना, यह भी आपका केशकत्व के कारण ही होता है। परंतु भूमिगत जल का ऊपर उठना ये केवल केशकत्व के कारण नहीं होता है। ठीक है, देखिए, पतली नलियों में किसी द्रव का स्वतः ऊपर की ओर चढ़ना या उतरना केशकत्व कहलाता है, जैसे स्याही का सोखना, पौधों के तने में जल का ऊपर चढ़ना एवं पत्तियों तक पहुँचना। भूमिगत जल का ऊपर उठना केवल केशकत्व के कारण नहीं होता, बल्कि इसमें भूमि के नीचे ताप एवं दाब की बदलती परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। अगला है, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। रबड़ से स्टील जो होता है अधिक लचीला होता है, क्यों? क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात इसका क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिबल का विकृति से अनुपात जो स्टील का होता है वो अधिक होता है रबड़ की तुलना में। रबड़ से स्टील जो होता है अधिक लचीला होता है, क्योंकि किसी दिए गए प्रतिबल के लिए स्टील में उत्पन्न विकृति रबड़ की तुलना में कम होती है, अर्थात स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है वो रबड़ से अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी जो होता है, पारा होता है, उससे भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर क्या करेगी? तैरेगी। ठीक है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, पारे का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो जो कम घनत्व वाला होगा वो अधिक घनत्व वाले पे तैरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? जल, एल्कोहल, कांच, वायु। तो वायु जो है सबसे अधिक फैलेगा, क्योंकि वायु में अंतर आणविक स्थान अधिकतम होता है। कोई पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकता है पानी के पृष्ठीय तनाव के कारण कोई जीव, कागज, सुई आदि कोई भी वस्तु सतह पर बिना डूबे घूम सकता है। पृष्ठ तनाव वह गुण है जिसके कारण तरल अपने मुक्त सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। अगला है, कुछ वैज्ञानिक, मतलब प्रमुख वैज्ञानिकों में आविष्कार से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने किया था। देखिए, बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने, टेलीविजन का जे एल बेयर्ड ने किया था, कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज ने किया था, और रेडियो का मार्कोनी ने। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था? तो इन्हें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ता है तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। वर्ष 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैक्स प्लैंक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर की थी। इसके लिए वर्ष 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, मतलब कहा गया, और ये दिया गया 1922 में। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? थर्मस फ्लास्क की खोज जो है ये डेवर ने की थी। किसने की थी? डेवर ने। थर्मस फ्लास्क की खोज जेम्स डेवर ने की थी। थर्मस फ्लास्क एक विशेष बर्तन होता है जिसमें किसी वस्तु को स्थिर तापमान पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें
चमकीली होती हैं जिससे विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा को न्यूनतम किया जा सके। जेम्स वाट का आविष्कार क्या था? तो जेम्स वाट ने जो है रोटरी भाप इंजन का जो है आविष्कार किया था। स्कॉटिश मूल के गणितज्ञ तथा इंजीनियर जेम्स वाट का जन्म स्कॉटलैंड के ग्रीनॉक में हुआ था। ये बर्मिंगम स्थित ल्यूनर सोसाइटी के सदस्य थे तथा रोटरी भाप इंजन के आविष्कारक थे। इन्होंने 1775 ईस्वी में बर्मिंगम के निकट सोहो में मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर अपने द्वारा विकसित भाप इंजन के निर्माण का कार्य शुरू किया था। अगला है उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाता है। तो ये हैं आपके स्टीफन हॉकिंग, जो कि इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। अब कुछ विविध के प्रश्नों को देख लेते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर आता है? तो यह जो है संवहन की क्रिया पे या संवहन के सिद्धांत पर बाहर आता है। लोहे की कीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जबकि लोहे की कीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर घट जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए। नाव जल में अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है। जब लोहे की कील हटा दी जाएगी तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पूरी या आंशिक रूप से जलमग्न वस्तु के ऊपर लगने वाला ऊर्ध्वगामी बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के समान होता है और वस्तु के द्रव्यमान के केंद्र में ऊपर की दिशा में कार्य करता है। इसलिए जब लोहे की कील को हटा दिया जाएगा तो पानी का स्तर घट जाएगा। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किसकी वजह से? सतही तनाव के कारण ये जो है सतही तनाव या पृष्ठीय तनाव के कारण तैर सकती है। बादल के कण जो हैं धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं वायु के चिपचिपाहट के कारण। बादल सघनित जलवाष्प के कणों से बना होता है। वायु की श्यानता के कारण ये कण बहुत धीमी गति से नीचे आते हैं, इसी कारण ये आकाश में तैरते दिखाई देते हैं। किसी चिपचिपे माध्यम में किसी गोले को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल स्टोक्स के नियम द्वारा लगता है और ये फिर वायु की चिपचिपाहट के कारण नीचे आते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? निम्न ताप पर जो पिंड होता है किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है? तो ये लंबी तरंग दैर्ध्य का विकिरण छोड़ता है। ये टेम्परेचर कम होगा तो यह सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है वो लघु तरंग दैर्ध्य की होती है, परंतु जब यहाँ से जो धरती से रिफ्लेक्ट होके जाती है वो आपकी दीर्घ तरंग दैर्ध्य की होती है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि यह क्या होता है, इसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और सूप संपूर्ण जीव पर अच्छी तरह फैल जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त काल जो है वो अंडर रूट टू गुना हो जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूलाज देखें तो जो आवर्त काल होता है T=2πL/g। तो L क्या है? लंबाई। तो लंबाई को दोगुना करेंगे तो 2L हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट टू गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन जो है यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत का के विरुद्ध है। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए तो इसमें संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, तो इन सभी का इस्तेमाल जो है वो ऊर्जा संग्रहण के लिए कर सकते हैं। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल क्या होगा? एक सेकेंड, अनंत होगा। ये जो है यहाँ पे अनंत का चिन्ह हो जाइए, तो ये जो है आपका अनंत होगा। अगला है इनमें से कौन सी बायोमास ऊर्जा नहीं है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। देखिए, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। बायोमास ऊर्जा सजीवों के मृत अवशेषों या अपशिष्ट से प्राप्त वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत होता है, जबकि जो चारों विकल्प हैं वो उससे कहीं मैच ही नहीं कर रहे हैं। धुंध का कारण क्या होता है? तो धुंध का कारण जो है कम तापमान पर जलवाष्प
पानी ताप में पानी वाष्प या जलवाष्प होना चाहिए। कम तापमान पर जलवाष्प धुंध का कारण होता है। धुंध जल की छोटी बूंदों को संदर्भित करता है जो हवा में निलंबित रहती तथा वे वायु में जलवाष्प के अचानक व तेजी से ठंडी हवा के संपर्क में आने का परिणाम है। इसके तेजी से ठंडे होने के कारण अदृश्य गैस का पानी की बूंदों में बदलना है। अगला है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके भार में जो कमी है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, तो यह जो है 100 डेसीबल के संगत होती है। ध्वनि की तीव्रता शक्ति को डेसीबल नामक इकाई में मापा जाता है। अगला है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। वायु का वेग संबंधित है किससे? तो वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। दाब प्रवणता वातावरण में या पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच वायु दाब में अंतर का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। दाब प्रवणता कमजोर होती है जहाँ समताप रेखा दूर होती है, और मजबूत जहाँ समताप रेखाएं एक दूसरे के करीब होती हैं। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। यूथसैट क्या है? यूथसैट एक जो है उपग्रह है, एक उपग्रह था जिसे 2011 में प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-16 के द्वारा। अगला है, कल्पना वन उपग्रह समर्पित है किसको? तो ये जो है आपका मौसम के लिए समर्पित उपग्रह रहा है। अगला प्रश्न है, मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका? तो ये भारत और फ्रांस का रहा है। ठीक है, कोलंबिया अंतरिक्षयान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी किस देश का था? तो ये अमेरिका का था। ये 2003 में दुर्घटना हुई थी। ASLV का पूरा नाम क्या है? ASLV का पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है आपका, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा रहा? तो Sputnik 1 रहा है। इसको 4 अक्टूबर 1957 को रशिया के द्वारा सोवियत यूनियन के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। भू समक्रमिक कच्छ में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है? तो ये INSAT-4A है। ये करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत के डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है? तो ये आपका INSAT-4A है। अरिहंत क्या है? अरिहंत एक जो है परमाणु संचालित प्रक्षेपास्त्र पनडुब्बी है अरिहंत। ठीक है, इसको जो है इसका निर्माण शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम द्वारा किया गया है। कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है? तो जो पृथ्वी मिसाइल है। अगला है, पृथ्वी मिसाइल सतह मार करती है। निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्षयान है? एपोफिश, कशिनी, टैक्सार और इसमें स्पित्सर। तो कासनी जो है ये अंतरिक्षयान है। टैक्सार एक इजरायली उपग्रह है। ठीक है, स्पित्सर जो है अंतरिक्ष दूरबीन है। एपोफिश क्षुद्रग्रह है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन से देश का शलिने 1 चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान है? तो ये जापान का रहा है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था कब? इसे जो है 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। PSLV का अर्थ क्या है या फुल फॉर्म क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी ऑप्शन। तेज क्या है? तेज आपका डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, इसे गूगल ने बनाया था, इसे गूगल पे के नाम से भी आप जानते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। इंटरनेट में किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका पैकेट का इस्तेमाल करते हैं, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट में। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। तो इसमें ये सभी आपके एक्सेल को छोड़ करके हार्डवेयर है। एक्सेल आपका हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आगे चलते हैं, निम्न से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो ये LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN जो होता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है। इसे घर, ऑफिस, स्कूल जैसे सीमित दायरे वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगला है, करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांटता है क्या? वे आपका इंटरनेट बांटता है, इंटरनेट। मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ इंटरफेस है किसके बीच में? तो ये जो है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र के मध्य में इंटरफेस है।
कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग या प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है किस में, तो मेगा बाइट में मापा जाता है। किस में? मेगा बाइट में। देखिए 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलोबाइट के होता है, 1024 किलोबाइट एक मेगाबाइट मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट एक गीगाबाइट के बराबर, 1024 गीगाबाइट जो होता है 1 टेराबाइट के बराबर होता है। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, बहुत आपने न्यूज में सुना होगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है क्या? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। जबकि सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क और मॉनिटर ये हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तेज मेमोरी होती है? जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो सर्वाधिक तेज मेमोरी के तहत आती है। अगला है आपका एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एसटीडी का तात्पर्य क्या है? स्टडी, पहले स्टडी बूथ हुआ करते थे ना। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला है स्थान जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचयित करता है को क्या कहा जाता है? उसे एक कंप्यूटर में जिस स्थान पर प्रोग्राम फाइल था डेटा स्टोर किया जाता है उसे द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या जैसे कि हार्ड डिस्क इत्यादि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, प्राथमिक मेमोरी नहीं है चूंकि वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, स्टोर हाउस नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे हार्ड डिस्क। सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है उसको क्या कहते हैं? उसे जो है उसे बिट कहते हैं, उसे बिट कहते हैं। 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, ध्यान रखिएगा 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाएंगे। डेटा या सूचना कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होती है? तो यह जो है आपका फाइल के रूप में स्टोर होती है, फाइल के रूप में। अनावश्यक या खराब ईमेल को क्या कहा जाता है? इसे स्पैम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, ए ऑप्शन। MIRC में सी का संबंध किससे है? सी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए MIRC का पूरा नाम क्या होता है? चुंबकीय शाही चरित्र मान्यता, इसको इंग्लिश में पढ़िए ज़्यादा सही रहेगा, मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें सी की वैल्यू पूछा था ना, सी का मतलब, तो सी का मतलब क्या होता है? करेक्टर होता है। तो करेक्टर यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोड कलर कंप्यूटर नहीं, तो करेक्टर मतलब कोई नहीं यहाँ पे। इस ये MIRC जो होता है ये 9 अंकों का कोड होता है, एक कोड होता है 9 अंकों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS-DOS है, यूनिक्स है, MacOS है, विंडो 3.x नहीं है, ठीक है। जो विंडो 3.x है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के तीसरे संस्करण को संदर्भित करता है, तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है कि इससे पहले कि कोई इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सके कंप्यूटर को एक हार्डवेयर डिवाइस से लैस किया जाना चाहिए जिसे कहा जाता है मॉडम, तभी आपका इंटरनेट चलेगा। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे? तो ये प्रोग्राम से संबंधित है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सिम का अर्थ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने भौतिकी संबंधित जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखा। अब इससे आगे जो रसायन विज्ञान का प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।